कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन सर्दियों के मौसम में आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे। थोड़ा सा ध्यान मैं भी आपका रखूंगी। बढ़िया सा सूप बनाते हैं आज काले चने का, जो हम सब के लिए बेनिफिशियल है सर्दियों में, और इसका आनंद उठाइए। आसान सी रेसिपी है, सिंपल है, डिलीशियस है। हे फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम टू माई किचन। तो चना सूप बनाने के लिए एक बोल मैंने यहाँ पे काला चना इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। इसे हम अच्छी तरह दो तीन पानी में सबसे पहले धो लेंगे, रगड़ के धोना है जिससे मिट्टी वगैरह जो भी होती है इसकी चली जाए। फिर फाइनली इसमें हम पानी भर के इसे 7 से 8 घंटे सो करने के लिए रख देंगे। चलिए चने तो हम सो करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा लिया है, अब इसमें ज़रा सा हमारा ऑयल जाएगा। मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल यूज़ कर रही हूँ, 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा गर्म होते ही तेज़पत्ता 2 से 3 मैंने लिया है, और काली मिर्च मैं यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। काली मिर्च अच्छी लगती है फ्रेंड्स। और इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज का इस्तेमाल किया है। अच्छे से आप इसे सॉटे कर लीजिए। यहाँ पे मैं अदरक 1.5 से 2 चम्मच ले रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा अदरक सूप में जाता है, और बारीक कटा हुआ लहसुन भी डालूँगी, थोड़ी सी बारीक कटी हुई। यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। आप जितना स्पाइस लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। और इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे। ज़्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा चलाना है 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम फ्रेंड्स चने ऐड कर देंगे, जो हमने चने भिगो के रखे हुए थे। और इन चनों को आपको अच्छे से थोड़ा भून लेना है फ्रेंड्स। कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम आप लीजिएगा इन चनों को ऐसे भूनने में, बढ़िया टेस्ट आता है इससे। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। तो 7 से 8 मिनट का टाइम इसे हम देते हैं भुनने के लिए। मीडियम आपको लो फ्लेम आपको लो रखना है। तो यहाँ पे जो मैंने पानी में सोक करके रखे थे चने, वही पानी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। बिल्कुल साफ पानी है ये, क्योंकि हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया था चनों को। और इन चनों में 2 से 3 ग्लास पानी जाएगा, क्योंकि हमें सूप के लिए बाद में स्टॉक चाहिए होता है, और हम अगर बाद में पानी ऐड करते हैं तो उसका फ्लेवर वो नहीं आएगा जो इस स्टॉक से आएगा। तो पानी 2 से 3 ग्लास ऐड करिए। हल्की सी हल्दी जाएगी चुटकी भर इसमें। चलिए इसे अब हम प्रेशर कुक कर लेते हैं। कम से कम इसे 20 से 25 मिनट तक हम इसे रखेंगे। 2 से 3 सीटी के बाद फ्लेम को आप लो कर लीजिएगा। प्रेशर कुक हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए खोल के देख लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं। चने भी मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, और जो स्टॉक है बन के रेडी हुआ है वो सफिशिएंट है, बहुत बढ़िया रेडी हुआ है। चलिए एक कढ़ाई मैंने ले ली है, जिसमें हमें अपना सूप रेडी करना है। आप पानी और चने को अलग कर लेंगे। तो चने मैंने अलग कर लिए, स्टॉक हमारा कढ़ाई में चला गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, उबलने के लिए रखेंगे। इन चनों में से फ्रेंड्स तेज़पत्ता का फ्लेवर आ चुका है, तो तेज़पत्ता हम निकाल के अलग रख लेंगे। थोड़े से चने मैं यहाँ पे बोल में अलग निकालूंगी, सर्विंग के टाइम हम इसे यूज़ करेंगे। तो इसे हम निकाल के अलग कर लेते हैं। और बाकी जो चने हमारे बचे हैं, ये जो मेरा मिक्सी जार है छोटा वाला चटनी वाला, तो इसे मैं 1.5 मिक्सी भर के इसका पेस्ट बनाऊंगी। और बाकी के चने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए हैं, वो मैंने अलग से भिगो के रखे थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो 1.5 मिक्सी आपका इसका जाएगा, पेस्ट बनेगा इसका।
आप चाहें तो स्टॉक डाल के थोड़ा सा मिक्सी में चनों को पीस सकते हैं फ्रेंड्स, या पानी डाल के। देखिए यहाँ पे पेस्ट हो गया रेडी। हल्का सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे इसको थोड़ा सा लूज़ करने के लिए। स्टॉक हमारा गर्म हो चुका है, उबलने लगा है। अब इसमें हम जो पेस्ट बनाया था वो धीरे से ऐड कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है आपको। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अगर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली रखनी है, थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। और जो ऊपर आपको झाग दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये झाग भी निकालना ज़रूरी है, इसको ज़रूर निकाल लीजिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए आपको बस पकाना है, बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे पकाने में। इसमें थोड़ी सी जाएगी हमारी काली मिर्च 1 चम्मच, थोड़ा सा इसमें हम फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे और बटर का भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश क्रीम ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, हम थोड़ा सा थिक लेते हैं इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा थिक रख के बनाया है सूप को। तो सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको सर्व कैसे करना है। बोल में ऊपर से हम चने ऐड कर लेंगे जो हमने साइड में निकाल के रखे हुए थे, और इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। प्याज हम नहीं लेते हैं तो हमने नहीं ऐड किया है। थोड़ा सा नींबू लेंगे और आपका सूप बिल्कुल बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत हेल्दी होता है चने का सूप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।